अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ काशिफ फयाज। टुडे आई विल टेल यू अबाउट कैलीग्राफी एंड क्रिएट ए लोगो डिज़ाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कैलीग्राफी क्या है। कैलीग्राफी बेसिकली हम ब्रश टूल से करते हैं, और ब्रश टूल आई होप के इजी होता है, मींस चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और इलस्ट्रेटर में जैसे ही आप यूज़ करते हैं ये ऑलरेडी स्मूथ हो जाता है। अगर आपको यहाँ सामने नहीं मिल रहा ये पैनल, तो विंडोज़ में जाके तो आप ये पैनल इजीली ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, और ये ब्रशेज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं इधर, लेकिन फ़िलहाल हम कैलीग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कैलीग्राफी को ही सिलेक्ट करेंगे, और कुछ इस तरह का पैनल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस ब्रश को, और हमें उर्दू का जो पेन टूल होता है, उर्दू में जिस तरह लिखते हैं उस तरीके की एक शेप बनानी है, और यह आप आसानी यहाँ से बना सकते हैं। यह आप देख लीजिएगा और इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से हम जब एंगल वगैरह सब कुछ सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखें, सपोज़ कि हम कोई सिग्नेचर करते हैं, तो हम जैसे ही पेन टूल का यूज़ करेंगे, यूज़ करते हुए बेशक जैसी भी हम लाइंस क्रिएट कर रहे हों, इलस्ट्रेटर आपको वो स्मूथ करके दे देगा। तो कैलीग्राफी इलस्ट्रेटर में हम इजी कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी नहीं है कैलीग्राफी, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि इलस्ट्रेटर में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जिनसे हम उर्दू भी लिख सकते हैं, और हम मींस इंग्लिश में भी बहुत अच्छी सी राइटिंग लिख सकते हैं। अब देखें, इसको मैंने छोटा किया है, ये बोल्ड हो गया है बहुत, लेकिन अगर एक्सपेंड करके हम इसको छोटा करेंगे, तो क्योंकि जो हमारे स्ट्रोक्स है वो फिल में चेंज हो चुके हैं, तो वो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो हम काम कर रहे होते हैं ब्रश टूल से, वो फिल नहीं होता, वो स्ट्रोक होता है, तो आप स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो वो कलर चेंज होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम कुछ और डिज़ाइन करते हैं, एक अच्छा सा लोगो हम बनाएंगे। उम्मीद है आपको कैलीग्राफी के बारे में समझ आ चुका होगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, और जैसे ही आप कैलीग्राफी के पैनल में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह इसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड ले रहा हूँ, ताकि जो डिज़ाइन बने वो आपको क्लियरली नज़र आए और अच्छा लगे। तो ब्रश टूल मैं कुछ इसमें कस्टमाइजेशन करूँगा, और मुझे थोड़ा सा बोल्ड और मींस थिक ब्रश चाहिए, ज़्यादा जो बारीक ना हो, तो उस हिसाब से मैं ब्रश की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, और फिर मैं जब इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखें कि मैं स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो हम जल्दी से एक डिज़ाइन बना लेते हैं, और आपको आप देखते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा कि डिज़ाइन मैं कैसे बनाता हूँ। ये बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है आप जो मींस काम ब्रश टूल से कर रहे हैं वही मींस परमानेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इवन बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं, मींस अगर आप कोई लाइन या कुछ भी ऐसा ड्रॉ करते हैं और आपको बाद में लगता है कि यार ये सही नहीं है, तो आपको उसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट सिलेक्शन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं जल्दी से बनाता हूँ, और अगर इसमें कोई मुझे चेंजिंग नज़र आई, बल्कि मैं चेंजिंग डालूँगा स्पेशली ताकि आपको समझ आए कि किस तरह हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से बना के वापस आता हूँ। तो यहाँ से देखें, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो मैं जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन लूँगा और
इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे होंगे। एक्सपेंड करने से पहले अगर कीजिए करें तो वो बेहतर रहता है। तो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके आप इजीली मूव कर सकते हैं और फिर हम इसको बाद में एक्सपेंड करके इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपने आज सीखा होगा और इन्जॉय किया होगा इस क्लास को। तो हम पार्ट टू लेके आएंगे इसका, जिसमें हम उर्दू में कुछ लिखेंगे। स्टे विद अस एंड बी क्रिएटिव।